जी हजरात, वेलकम बैक। लेट्स स्टार्ट रिवीजन ऑफ आईएसओ 500। एविडेंस हासिल करने के दो मेथड्स, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सब्सटेंटिव प्रोसीजर टीओसी। एक मेथड है सब्सटेंटिव, एक मेथड है, दो मेथड्स है, आठ प्रोसीजर है। हर मेथड को करने के आठ प्रोसीजर है। टीओसी के लिए भी कायरो, सब्सटेंटिव के लिए भी कायरो, टेस्ट ऑफ कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव क्लोजिंग नंबर वेरीफाई करना नहीं है, वो ऑब्जेक्टिव सब्सटेंटिव का है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीओसी इज टू असेस द कंट्रोल्स ऑपरेटिंग एट द ऑडिट लाइन। जब एक ऑडिटर क्लाइंट पर जाकर कंट्रोल्स को असेस करता है कि क्या वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है और ऑपरेट हो रहे हैं, इसको हम कहते हैं, इस मेथड को हम कहते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल। इन कॉन्ट्रास्ट, जब एक ऑडिटर पीएनएल बैलेंस शीट के क्लोजिंग नंबर को वेरीफाई करता है, पीएनएल के आइटम्स, बैलेंस शीट के आइटम्स, उनके क्लोजिंग नंबर को जब वेरीफाई करते हैं, ये कहलाता है सब्सटेंटिव प्रोसीजर, जिसमें दो चीजें एपी टीओडी, एपी टीओडी, कायरो, आठ बातें, कॉन्फर्मेशन, एनालिटिकल प्रोसीजर, इंस्पेक्शन ऑफ एसिड, इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड, इंक्वायरी, रीपरफॉर्मेंस, रीकैलकुलेशन, ऑब्जर्वेशन। चाहे टीओसी करें तो भी आठ बातें, सब्सटेंटिव करें तो भी आठ बातें। इस कायरो में एक क्या है, एक तरफ एपी मेथड है, एक तरफ एपी प्रोसीजर है। तो टेस्ट ऑफ डिटेल में, टेस्ट ऑफ डिटेल में कायरो के ए के अलावा बाकी सब क्या है? कायरो में ए इज अ मेथड प्लस अ प्रोसीजर, एक ड्यूअल रोल है। एक तरफ एपी प्रोसीजर है, एक तरफ एपी, इसका मतलब है टेस्ट ऑफ डिटेल में क्या बचा? कायरो में ए के अलावा बाकी जो बचा वो क्या है? कंफर्मेशन भेज रहे, क्या कर रहे हैं? रीपरफॉर्म कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? इंस्पेक्शन ऑफ एसिड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कहो टेस्ट ऑफ डिटेल टीओडी, इसके अंदर तीन चीजें, पीएनएल वेरीफाई कर रहे हो, बैलेंस शीट वेरीफाई कर रहे हो, पीएनडी वेरीफाई कर रहे हो। इनका एक वर्ड टेस्टिंग एट द असर्शन लेवल। हो गया रिवाइज। इन्वेंट्री गोदाम में उतर रही है, मैं और भाई देख रहे हैं कि हाँ जी ये इन्वेंट्री उतर रही है और आप उसकी इंस्पेक्शन कर रहे हैं। वी ऑलवेज ऑब्जर्व अ प्रोसेस बीइंग परफॉर्म्ड बाय अदर्स। ठीक है, मैं कागज देख रहा हूं, क्या कर रहा हूं मैं? प्रोसीजर बताओगे मुझे? मैं एग्जांपल दूंगा, तमाम बच्चे के आप मुझे बताएंगे सर कौन सा प्रोसीजर है। हम कागज देख रहे हैं, मेमोरेंडम, आर्टिकल, जीआरएन, जीडीएन, परचेज ऑर्डर, बैंक स्टेटमेंट, बैंक एग्रीमेंट्स, सप्लायर स्टेटमेंट, सप्लायर एग्रीमेंट, कागज का देख रहे हैं। इस व्हाट मैं क्लाइंट से पूछ रहा हूँ, मैं सीएफओ से बात कर रहा हूँ, मैं डेटा सेल से बात कर रहा हूँ, मैं थर्ड पार्टी को कॉन्फर्मेशन भेज रहा हूँ, डेटा कंफर्मेशन, क्रेडिट कंफर्मेशन, लॉयर कंफर्मेशन, बैंक कंफर्मेशन, ऑल दीज टाइप्स ऑफ कंफर्मेशन आर कॉल्ड थर्ड पार्टी। ठीक है जी, मैं डेप्रिसिएशन खुद से निकाल रहा हूँ, री परफॉर्मेंस। जब मैं क्लाइंट की वर्किंग को एज इट इज चेक करूंगा क्या कहलाएगा? जब मैं उसी वर्किंग को अपने मेथड से करूंगा क्या कहलाएगा? सर तो हम दौराने ऑडिट क्या दोनों काम करते हैं? डिपेंड करता है, कुछ केस में हम रिकैलकुलेशन कर रहे होते हैं, कुछ में हम रीपरफॉर्म कर रहे होते हैं और कुछ में हम दोनों कर रहे होते हैं। ये बात ले रहे हो भाई? ठीक है जी, हैंड आउट निकालें, शाबाश। हैंड आउट निकालते निकालते भी रिवाइज करेंगे। ऑडिट रिवाइज करना दुनिया का सबसे आसान काम है, यकीन करो। एक एक टॉपिक ना मैं 15-15 सेकंड में याद करा दूंगा इंशाल्लाह, मसला कोई नहीं है। कहो एविडेंस, एविडेंस नहीं सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस। सफिशिएंट बोले तो क्वांटिटी, अप्रोप्रिएट बोले तो क्वालिटी। क्वालिटी में स्पीड टेस्ट करो, क्वालिटी में दो बातें रेलेवेंस और रिलायबिलिटी में पांच बातें। पेपर में 20-25 नंबर वो आएंगे जो स्ट्रेट निकलेंगे क्लासरूम में से, वो ग्रिप कर लो यार। 30 नंबर तो मसला ही कोई नहीं यार इंशाल्लाह, बाकी पर्चा भी आसानी होगा इंशाल्लाह। प्रैक्टिस के ऊपर टॉपिक खत्म हो, घर जाए प्रैक्टिस करें, मैं पूरा गाइड करूंगा आपको इंशाल्लाह, डोंट वरी। और आज हमारा पहला टेस्ट है इंशाल्लाह क्लासरूम के अंदर, कोई टेंशन नहीं है। मैं आपको 15 मिनट दूंगा बेसिक रिवाइज करना, ये टेस्ट यहाँ पढ़ाऊंगा, उसको अटेंड करने की कोशिश करना।
किसी की इंसल्ट नहीं है, कोई टेंशन नहीं, टोटल मिला के सेशन में 10-12 टेस्ट लूंगा, कितने, एक मिड टर्म लूंगा और एक मॉक लूंगा, कॉपियां चेक होंगी, क्लास में मार्क्स बताऊंगा, हाईएस्ट किसके, लोएस्ट किसके, लोएस्ट के नाम नहीं बताऊंगा, सिर्फ हाईएस्ट के बताऊंगा, हर बंदे की पर्दापोशी होगी इंशाल्लाह, कोई इंसल्ट नहीं है, जो सवाल पूछना पूछे आप, लेकिन खुदारा घर जाकर आधा पौना घंटा रिवाइज कर ले, और अगर क्लास में 10 मिनट पहले पहुंच जाएंगे, ओवर अ कप ऑफ टी रिवाइज कर लेंगे, उसकी क्या ही बात है, आपका फ्लो ही कुछ और होगा इंशाल्लाह। और जिस दिन आप सुबह उठ के फजर के बाद पढ़ना शुरू हो गए तो आप मुझे जिंदगी बर्बाद देंगे, सर पूरी लाइफ का चेंज आ गया, क्योंकि सुबह में अल्लाह पाक ने बरकत रखी हुई। आप करके देखें, आप गो विद द नेचर एंड देन सी योर सक्सेस इंशाल्लाह। मुझे रिलायबिलिटी की 5 बातें बताएं, शाबाश, उर्दू बता दें, रिलायबिलिटी के 5 फैक्टर, देखो 2 चीजें थी, सफिशिएंसी के फैक्टर अलग थे, जवाब दो, सफिशिएंसी के फैक्टर अलग थे और रिलायबिलिटी के फैक्टर, रिलायबिलिटी के 5 फैक्टर कौन बता रहे, एक-एक करके बता शाबाश। पहला, एविडेंस ऑब्टेन डायरेक्टली फ्रॉम थर्ड पार्टी इज मोर रिलायबल, डॉक्यूमेंटेड एविडेंस इज मोर रिलायबल, पार्टिसिपेट करो, एक बार देख लो कागज, कागज देख लो, डॉक्यूमेंटेड ऑर्डर इज मोर रिलायबल, एविडेंस ऑब्टेन डायरेक्टली विद ऑर्डर इज मोर रिलायबल, और जहां इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग होंगे, जो एविडेंस वहां से मिलेगा दैट वुड बी मोर रिलायबल, एक बार देख ले शाबाश। 10 मिनट हमने आज 500 करना है, देन वी विल मूव फॉरवर्ड इंशाल्लाह। अच्छा, अगर मैं हैंडआउट निकालूं, हमने पिछली क्लास में पेज नंबर 2 की रीडिंग स्टार्ट की थी, जिनका वो हैंडआउट नहीं मिल जाएगा, ठीक है, मैं फिर कह रहा हूं, हैंडआउट या तो क्लास के स्टार्ट में मांग लो या एंड में मुझसे ले लो, दरमियान में बस डिस्टर्ब नहीं करना, ये रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है जी। और सवाल 100 बार पूछेंगे, मैं 100 बार बताऊंगा, मैं क्लास के बाद 10 मिनट हमेशा अवेलेबल हूंगा इंशाल्लाह, आपने मुझसे रब्ता करना है, सर ये सवाल मैंने कहा चेक कर दें आप, उस टाइम बिजी होंगे, अच्छा मैं अगली क्लास में दे दूंगा, लेकिन मैं आपको मना नहीं करूंगा इंशाल्लाह, आप भाई हैं छोटे, आपसे बड़ी मोहब्बत का रिश्ता है, लेकिन एट टाइम जब क्लास में टीचर फ्लो में होता है ना, बस फिर वहां घूम जाती है, आपने डिस्टर्ब कर दिया, ठीक है, बात समझ आ रही है, ठीक है जी। पेज नंबर 2 में क्या दिया हुआ, पूरी क्लास एक्टिव, शाबाश। पेज नंबर 2 में क्या दिया, कॉन्सेप्ट ऑफ, ठीक है, ये जो बुलेट्स है, बुलेट्स, ये जो बुलेट्स है, एक बार अगर दोबारा पढ़ ले, कहा है बच्चा फौज गायब है, जरा माइक ले ले, बैकअप में कौन था हमारे पास, हाँ पढ़ लो मेरे दोस्त, राफे आप भी पढ़ सकते हैं, 3-4 बच्चे वॉलंटियर कर रहे हैं रीडिंग के लिए, जो क्लास में रीडिंग करता है ये पिछले 20 साल की बता रहे प्रैक्टिस, वो कभी फेल नहीं हुआ है, क्योंकि वो पढ़ते पढ़ते चीजें उसके दिमाग में आती हैं, उसको लग रहा है मुझे याद नहीं हो रहा है, जब वो पेपर में बैठेगा तो अल्लाह पाक खुद ही आंखों में लेके आ रहा हूँ, टक टक करके, बहुत तेज अल्लाह ने दिमाग बनाया, यकीन करें बहुत तेज दिमाग है, हमने यूज ही नहीं किया उसको, हमें एतबार ही नहीं है अपने स्किल्स के ऊपर, सर मुझे चीजें याद नहीं होती, लेट मी गिव अ स्मॉल टिप, आपको अपने अबू का सेल नंबर याद नहीं हो रहा है, 3-4 मरतबा अपनी आंखों में लाए, ऐसे ट्रेन करें कि जब मैं आंखें बंद करूं तो सेल फोन का नंबर मेरे सामने है, एक दिन करें, 2 दिन करें, 3 दिन करें, 4 दिन करें, विल स्टार्ट टू मेमोराइज एविडेंस, आंखें बंद करें, सर दिमाग में हैंडआउट लेके आए, टीओसी यहां था, सब्सटेंडिव यहां था, इसमें 2 बातें थी, कायरो यहां लिखा हुआ था, समझ रहे हो, ट्रेन करो उसको अपने आगे, और ये सबसे बेस्ट टाइम क्या ट्रेन करने का, नमाज सुबह फजर, उसकी बरकत थी भाई, और ट्राई करके देख लें, दुआएं देंगे आप मुझे, ठीक है। 5-6 जो बुलेट्स हैं ये पढ़ो शाबाश, ऑडिट एविडेंस इज ऑब्टेन फ्रॉम माइंड फ्लूइड इंफॉर्मेशन अदर देन बिलो मेंशनड, ठीक है, इसके अलावा भी और चीज है, ये एग्जॉस्टिव लिस्ट, शाबाश, स्पीड में पढ़ ले बेटा, डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स सच एज परचेज ऑर्डर पेमेंट एंड रिसीप्ट वाउचर इनवॉइसेस रिसीप्ट एम्प्लॉय साइन शीट्स कस्टमर ऑर्डर लेटर बैंक स्टेटमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अदर लीगल डॉक्यूमेंट मेमोरेंडम आर्टिकल्स ईटीसी, ठीक है। नंबर 2 एंट्रीज इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंट्रीज पोस्टिंग इन, क्लाइंट ने कहा, ये हमारे क्लाइंट बैठी है, मैंने कहा मैडम मुझे जरा डेप्रिसिएशन की जेबी दे दें, सर उनका सर ये जेबी की कॉपी ले लें, ये डेबिट है ये क्रेडिट है, ये जेबी की कॉपी मेरे लिए क्या है, रिस्पॉन्स 5 सेकंड में चाहिए, ये एंट्री है जी एमोर्टाइजेशन की, ये एंट्री की कॉपी दे रहे हैं मुझे, सर ये पोस्टिंग है, ये क्या है, हर वो चीज जहां से मुझे क्या मिल रहा है, किसी किस्म की इंफॉर्मेशन मिल रही है, वो ऑडिट की भाषा में हमारे लिए क्या है, आगे चलो शाबाश। एंट्रीज पोस्टिंग इन कैश फ्लो, थोड़ा तेज पढ़ो, एंट्रीज पोस्टिंग इन कैश फ्लो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट ईटीसी। नंबर 4 आंसर रिप्लाइज फ्रॉम मैनेजमेंट टू क्वेश्चंस रेज्ड बाय द ऑडिटर। नंबर 5 इंफॉर्मेशन और कंफर्मेशन रिसीव फ्रॉम एक्सटर्नल पार्टीज सच एज डेटर्स क्रेडिटर्स बैंक लीगल एडवाइजर टैक्स कंसल्टेंट एंड अदर्स, ये सब हम पढ़ेंगे आइजा 505 में।
ये आई कैप का फेवरेट टॉपिक है, उससे डबल मेरा फेवरेट टॉपिक है, तो आपके लिए बहुत बेहतर अच्छी बात है कि जो आई कैप का फेवरेट टॉपिक है वो मेरा भी आराम से पढ़ेंगे, सुकून से पढ़ेंगे। नेक्स्ट, कंप्यूटेशन प्रोड्यूस बाय द क्लाइंट और बाय द ऑडिटर हिमसेल्फ, फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन रिकंसिलिएशन कंप्यूटेशन ऑफ एक्वल एंड रिट्री। नेक्स्ट पॉइंट शाबाश, अगले पेज पे नंबर 3 शाबाश क्विकली। एविडेंस गेन्ड फ्रॉम द ऑडिटर काउंटिंग ऑफ स्टॉक एट द बैलेंस शीट डेटा, स्टॉक काउंटिंग ऑफ रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश्ड गुड्स। इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट जी, ऑडिट एविडेंस रिक्वायर दैट द ऑडिटर ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस टू बी एबल टू ड्रॉ रीजनेबल। कौन सा कंक्लूजन? क्योंकि हमारी डिक्शनरी में एब्सोल्यूट का वर्ड है ही नहीं, दे नहीं सकते, बिकॉज देयर आर इनहेरेंट लिमिटेशन। ये वो लिमिटेशन है जो हमारे प्रोफेशन में बिल्ट इन है, जिनको हम अपने प्रोफेशन से डिटैच नहीं कर सकते। भाई सैंपल बेस पे ही ऑडिट होगा, भाई 1.5-2 महीने का ही होगा, भाई 100% टेस्टिंग नहीं कर सकते, भाई प्रोविजन में ऑटोमेटिक रिस्क है। कराची में ड्रिजलिंग होगी तो शारा फैसल पर फिसलन होगी, तो बाइक वालों ने अगर ब्रेक देख के नहीं मारा तो आप फिसलेंगे। कराची में जगह जगह गटर के ढकने खुले हुए हैं, तो आप यूं करके जाएंगे और भाई नीचे गिरेंगे आप। ये इनहेरेंट है क्योंकि इस शहर में रहने का ये रिस्क मौजूद है। आगे चलें जी, टू ड्रॉ रीजनेबल कंक्लूजन ऑन विच टू बेस द ऑडिट, ठीक है। हेडिंग क्या आ रही है उसके बाद, ठीक है। अच्छा, अगली हेडिंग पढ़ो, लिखवाता हूं यहां कुछ। सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, sufficiency relates to the quantity of audit evidence and appropriateness relates to the quality of audit evidence which include both relevance and reliability of। हमने पिछली क्लास में बोर्ड पे कहा था अभी हम रेलेवेंस कवर नहीं कर रहे, रेलेवेंस उस वक्त कवर कर लेंगे जब तमाम सब्सटेंटिव पढ़ लेंगे और फाइनेंशियल स्टेटमेंट असेशन भी कवर कर लेंगे, तो फिर टोटल रेलेवेंस को समझने में घड़ी देख के लगेंगे 5 मिनट, लेकिन 5 मिनट को समझने के लिए 20 घंटे का लेक्चर मुझे देना पड़ेगा। तो फिलहाल होल्ड, थ्योरी का पर्चा है, नाजुक सूरत हाल है, लिंकिंग मैं बताऊंगा, हर चीज हैंडआउट में हर चीज उस टाइम कवर करने की नहीं है, तो कुछ चीजों को हम पार कर लेंगे, आप अपने पास लिख लिया करें टू बी डिस्कस इन फ्यूचर, और जब वो डिस्कस हो जाए उसको काट के टिक कर दिया करें। अपने हैंडआउट पर कंट्रोल लगे, मुझे पता है कि मैंने कौन सी चीज छुड़वा दी वक्ती तौर पर। अप्रोप्रिएटनेस की डायग्राम बनी हुई, एक तरफ रेलेवेंस और एक तरफ रिलायबिलिटी। आगे बढ़ो, अप्रोप्रिएटनेस इज अ appropriateness is the measure of quality of audit evidence which has two elements, relevance and reliability. Relevance will be discussed later after a substantive procedure. फिर आ रहे हैं factors. इन factors में दो factors हैं, quantity के भी और quality के अंदर reliability के भी। खुद चेक करें, पहला वाला क्या है जवाब दे, पहला पॉइंट पढ़ो, जब जोर से पढ़ो, पार्टिसिपेट करें, खुदारा पार्टिसिपेट, हर क्लास पीसीएसई की क्लास है, हर क्लास में बात करें, भरी महफिल में बोलना भी हिम्मत की बात आएगी, ऑडिट फर्म में बोलना पड़ेगा, ऑडिट टीम में बोलना पड़ेगा, बिग फोर के, बिग थ्री के, बिग टू के इंटरव्यू में बोलना पड़ेगा, जो भी बिग बचेगी उस तब, अभी बिग थ्री बची हुई, ठीक है। 12 कहीं भी जाएंगे इंटरव्यू में 5-5-6-6 लोग होंगे, यू विल बी एबल, यू शुड बी एबल टू स्पीक, वो सवाल कर रहे हैं आप जवाब दे रहे हैं उसको आवाज ही नहीं आ रही, आप बाहर हो जाएंगे, आपका कैफ क्वालिफाइड है फर्स्ट रेडम में, आप क्यों बाहर हो गए? सर मुझे सेकंड कॉल ही नहीं है, सर मेरा तो कैफ फर्स्ट रेडम है और मैं तो एलेवन में गया हूं, क्यों आपने आवाज नहीं निकाली? फिर आपको मेरी बात याद आएगी कि सर साजिद ने पूरे बैच में कहा 150 घंटे के, खुदा ना बोलो, मेरी बात समझ आ रही है? मैं आपको उस दिन के लिए ट्रेन कर रहा हूं क्योंकि मुझसे आपके मुतालिक आखिरत में सवाल करेंगे अल्लाह मियां कि तूने 22 साल पढ़ाए इतने, तूने पैसे बनाए, तूने इनकी अखलाक की तरबियत की, तो आई एम अकाउंटेबल ना, तो मुझे अपना हिसाब देना है, इसीलिए कह रहा हूं बोला करो। पहला पॉइंट क्या है, ठीक है। अच्छा अगला पॉइंट, टोटल कितने पॉइंट्स है, ये 7 पॉइंट्स क्वांटिटी के फैक्टर है या रिलायबिलिटी के फैक्टर है? ये क्वांटिटी है, क्योंकि रिलायबिलिटी के तो मैंने अलग से लिख दिए बोर्ड इटैलिक करके, तो इन 5 का ताल्लुक रिलायबिलिटी से, और इन 5 का ताल्लुक किस चीज से, और ऊपर का ताल्लुक किस चीज से, इन पर सवाल बनेगा डायरेक्ट, तो आप ये लिख ले प्लीज लर्न। हैंडआउट में हर चीज प्योर रट्टा मारने की नहीं है, वीवीएन साथ हो ना मेरे, तो जहां चीजें प्योर याद करने की है वहां मैं तुम्हें लिखवा दूंगा, प्लीज लर्न, तुम याद कर लेना। सर मुझे याद नहीं होता, मैं रट्टा नहीं लगा सकता, कोई मसला नहीं, तू समझ सकता है, समझ के लिख ले भाई, डन है, डील डन है, हाँ है ना, ठीक है। अच्छा अब आप जरा पीछे हैं दोबारा,
जहां पर सफिशिएंट में जगह खाली बची हुई है, जगह खाली है। मैं आपको उस पर चार पांच लाइनें लिखवा रहा हूं। पूछो क्यों? आई कैप ने सवाल पूछा चार नंबर का, पांच नंबर का, तीन नंबर का। रिपीट करो पूरी क्लास। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट व्हाट एविडेंस एज पर आइजा 500। तो मुझे चार पांच नंबर के लिए पांच छह लाइनें लिखना आनी चाहिए। लिखे, मैं लिखवा रहा हूं आपको। स्टार्ट। चार पांच लाइनें अकॉर्डिंगली फॉर्म साइज एडजस्ट कर लीजिएगा। और अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत बड़ा बड़ा करके लिखते हैं तो आप आखिरी पेज पर यहां लिख सकते हैं, जहां भी लिखे हैंडआउट में लिखे, ताकि सब कुछ एक ही कागज में आ जाए। ऑर्गेनाइज हो, पता हो कौन सी बात कहां लिखी हुई, एंड में ढूंढ रहे होगे। लिखो द ऑडिट एविडेंस टू बी ऑब्टेन बाय द ऑडिटर, द ऑडिट एविडेंस टू बी ऑब्टेन बाय द ऑडिटर, द ऑडिट एविडेंस टू बी ऑब्टेन बाय द ऑडिटर मस्ट बी बोथ सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट, द ऑडिट एविडेंस टू बी ऑब्टेन बाय द ऑडिटर must be both sufficient and appropriate। कोई लफ्ज स्किप हो जाए परेशान मत होना, मैं फिर रिपीट करूंगा, आपकी नोटिंग मेरे लिए बहुत अहम है। The audit evidence to be obtained by the auditor must be both sufficient and appropriate, comma। By sufficiency we mean the quantity of evidence, by sufficiency we mean the quantity of evidence, and by appropriateness we mean the quality of all evidence। Repeat, by sufficiency we mean the quantity of all evidence, and by appropriateness we mean the quality of all evidence, full stop। Appropriateness has two further elements, appropriateness has two further elements, comma, relevance and reliability। Appropriateness has two further elements, relevance and reliability, appropriateness has two further elements, relevance and reliability, full stop, next paragraph। The quality of evidence depends on certain factors, the quantity of evidence depends on certain factors, the quantity of evidence depends on certain factors such as risk and materiality as well as reliability depends on certain factors, as well as reliability also depends on certain factors। ठीक हो गया यार भाई, एक बार रिपीट कर दे मेरा बच्चा जी। क्रॉस चेक प्लीज स्टार्ट। The audit evidence to be obtained by the auditor must be both sufficient and appropriate। By sufficiency we mean the quality evidence, and by appropriate we mean quantity। By appropriateness we mean the grammar का ख्याल रखें। We means नहीं है, mean itself plural word है। We mean the quality जी। And appropriate has two further elements, relevance, reliability। The quantity of evidence depends on certain factors such as risk and materiality, as well as reliability depends on certain factors। ठीक है, कितनी लाइनें बन रही हैं? ठीक है, चार पांच छह एवरेज। अगर सवाल आ जाए तीन चार नंबर का, धीरज भाई यही नाम है, धीरज नाम सही है, ठीक है। अगर सवाल तीन चार मार्क्स का आ जाए तो ये बिल्कुल सही लिखा है हमने, लेकिन नुमान अगर ये सवाल पांच छह नंबर का आ जाए तो फिर रिलायबिलिटी के एक दो फैक्टर इसमें ऐड कर देना। थ्योरी के पेपर में बच्चा एंड में परेशान होता है, सर कितने मार्क्स पर कितना लिखना है,
गवार है ना, हर टॉपिक में बताऊंगा इंशाल्लाह, मेरी जिम्मेदारी है, मेरा काम है, मैंने बताना है, इट्स माय जॉब, ठीक है। ये तुम्हारा आई कैप का आंसर शीट है, सवाल आ रहा है 5 नंबर का, तो 5 नंबर का मतलब है कि योर आंसर शीट का आधा पेज 5 नंबर ये होता है, बस बहुत है। अब इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जितने ना ले, तो जो मैंने आपको लिखवाया अभी, जो मैंने आपको कंटेंट लिखवाया, वो समझेंगे 3 से 4 मार्क के लिए मुनासिब है, लेकिन अगर इसमें 1-2 मार्क्स और ऐड हो जाए तो बहुत ही चलाकी के साथ आप क्या करेंगे, आप रिलेवेंसी के 1-2 फैक्टर अपने आंसर में ऐड कर देंगे। भाई नोट कर ले बस, और कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही बेसिक सी बात है ये। हमें लगता है पता नहीं क्या होगा, ऐसा नहीं है। बहुत आसानी के साथ बगैर स्ट्रेस लिए आप क्वालिफाई कर जाएंगे इंशाल्लाह। बी पॉजिटिव, बी पंक्चुअल, बी फोकस, बी सीरियस। ठीक हो गया, एक बार पढ़ लें जो आपने लिखा है, ट्राई टू मेमोराइज इट, जो भी लिखवा है उसको एक बार खुद से पढ़ लो। हो गया जी, आगे चले शाबाश। फिर हमारा अंडरनोट में क्या आ रहा है, देखिए हमने लॉजिकली पूरा कवर कर लिया, मैं हैंडआउट गो थ्रू कर रहा हूं, ठीक है। रिलायबिलिटी के फैक्टर के बाद क्या आ रहा है तुम्हारे पास, रिलायबिलिटी के फैक्टर के बाद क्या आ रहा है तुम्हारे पास, ठीक है। और शुरू करो पढ़ना, देयर आर टू मेथड्स, पेज नंबर 4, देयर आर टू मेथड्स, पढ़ो यहां से। There are two methods to obtain audit evidence or say that audit evidence can be gathered by the following two methods. कौन से दो मेथड है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटेंटिव? ये वर्ड मैं बार बार जान के रिपीट कर रहा हूँ ताकि तुम्हारे दिमाग में फिट हो जाए, क्योंकि आगे जाके ना तुम्हारी सिलेबस में बड़े दो अहम वर्ड आएंगे, टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटेंटिव। और अगर ये आई के अपने खुल के पूछ लिए, जो मैं इनको हर बार रिकमेंड करता हूँ अपने कमेंट्स के अंदर, कि भाई खुदा रहा इसको इसके इसके मार्क्स बढ़ाएं आप, क्योंकि आर्टिकल शिप में 90% आप यही कर रहे होंगे। अगर आप किसी फॉर्म में क्वालिफाई करके मैनेजर लग गए तो भी आप यही काम कर रहे होंगे। तो टीओसी और सब्सटेंटिव, अगर मैं एफिट की बात करूं तो वहां पेपर में सब्सटेंटिव कम से कम 25 मार्क आ रहा है और 15 नंबर कम से कम आ रहा है टीओसी, कितने हो गए 40 नंबर। और आईकेप में अभी 40 में तो कभी 15 आ गए, कभी 10 आ गए, कभी 20 आ गए, कभी आए नहीं। तो अगर कभी नहीं आए तो उसका ये मतलब नहीं कि हमने हमने कवर नहीं करना, हमने तो प्रॉपर कवर करना है मेरे भाइयों जी। और सेड एविडेंस कैन बी गैदर्ड बाय फॉलोइंग टू मेथड, टेस्ट ऑफ कंट्रोल टू बी कवर्ड व्हाइल स्टडीइंग टीओसी। लेकिन तुम आगे की 3 लाइनें पढ़ लो शाबाश। टेस्ट परफॉर्म टू ऑब्टेन एविडेंस अबाउट द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स इन प्रिवेंटिंग, डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ठीक है। टीओसी शुड बी डिजाइन टू चेक दैट द कंट्रोल प्रोसीजर एसओपी आर बी, अच्छा देखो कंट्रोल प्रोसीजर / एसओपी, मैं चाह रहा हूं कि आपकी अंग्रेजी की मैं वोकैबुलरी बढ़ाऊं। स्लैश का मतलब क्या, ये भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं। एसओपी कहो, एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। आईबीए में एंट्री टेस्ट होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, हो सकता है ग्रुप डिस्कशन भी हो, उसके बाद आएगी फाइनल लिस्ट। यार ये क्या तरीका है यार, यार यार मेरा ए लेवल्स का बैकग्राउंड है यार, आप मुझे इस तरह जो है वो आप तकलीफ दे रहे हैं। यार माजरत, ये हमारा एसओपी है, ये हमारा क्या है, हर कंपनी का, हर डिपार्टमेंट का अपना क्या है, सेल्स का अपना, परचेस का अपना, ट्रेजरी का अपना, एचआर का अपना, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग, ये एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट ये वर्ड हमारी रगों में होना चाहिए। इन योर आर्टिकल शिप यू विल बी एक्सपीरियंसिंग दिस वर्ड लॉट ऑफ टाइम, एसओपी क्या। आगे चलो, are being applied and that the objectives are being achieved. ठीक है। Test of control include two things. पहला design, दूसरा अंदर क्या लिखा हुआ है, छोड़ दो कब कवर करेंगे, जब TOC पढ़ा रहूंगा। Substantive और शाबाश। Substantive procedures also called detailed testing verification of financials. अच्छा इसको मैं दोबारा recap करता हूँ, मेरे साथ repeat करो। Substantive का objective है। अच्छा एक इसका उर्दू वर्जन है, एक इसका अंग्रेजी वर्जन है। मैं उर्दू भी सुनाऊंगा और अंग्रेजी भी सुनाऊंगा। उर्दू वर्जन, सब्सटेंटिव का ऑब्जेक्टिव है पीएनएल बैलेंस शीट के क्लोजिंग नंबर में कोई गलती तो नहीं है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ सब्सटेंटिव इज टू डिटेक्ट एमएम एट द असम्पशन लेवल। उर्दू सब्सटेंटिव का
ऑब्जेक्टिव है पीएनएल में, बैलेंस शीट में, डिस्क्लोजर में, कहीं गलती तो नहीं है। इंग्लिश द ऑब्जेक्टिव ऑफ सब्सटेंटिव इज टू डिटेक्ट एमएम एट द असर्शन लेवल, क्योंकि असर्शन लेवल में तीन चीजें आ रही है, पीएनएल, बैलेंस शीट। समझ आ रहा है? उर्दू में मतलब आसान है, लेकिन ऑडिट की जार्गन जब देखते हैं ना तो ऐसा लगता है यार याद कैसे होगा, अगर लॉजिक है तो याद हो जाएगा। अब पढ़ें, शाबाश मेरे दोस्त। These tests are to obtain audit evidence to detect material misstatements. Material misstatement, background में तीन बातें आ रही हैं, policy, treatment, disclosure. Policy, treatment, ये change नहीं होगा, ये वो ही रहेगा, आखिर तक यही रहेगा, policy, treatment, disclosure. आगे चलो शाबाश। In the financial space, definition of SP, substantive procedures. दिमाग में 240 चल रहा है, इसको कहते हैं लिंकिंग। एग्जाम में सवाल ले रहे हैं आजकल जिसमें एक सिनेरियो में तीन आयजा घुसे हुए, ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप उसको पिक ना करें, क्योंकि हम हर टॉपिक में, हर पास पेपर में, हर ड्राफ्टिंग करते हुए लिंकिंग कर रहा हूं इंशाल्लाह, तो ये प्रॉब्लम आ ही नहीं सकता अनलेस आप क्लास में नहीं आ रहे और आप घर जाकर नहीं पढ़ रहे। मेरी तरफ से इंशाल्लाह एरर नहीं होगा, कोशिश करेंगे बेहतरीन पढ़ा इंशाल्लाह। जी असल लेवल तीन बातें, पीएनएल, बैलेंस शीट, पीएनडी। आगे बढ़ो। दे आर जनरली ऑफ टू टाइप्स substantive analytical procedures, ratio analysis and comparison analysis from last year to the current year to be discussed in detail in IGA 520. याद है जब हमने 520 का discussion किया था तो मैंने तीन examples दी थी आपको, इस तरह recall कराया मुझे, तीन examples क्या थी 520 के, पिछले साल से कंपेयर कर ले, इंडस्ट्री नॉर्म से कंपेयर कर ले, चीजें याद कर लिया करो, कंपेयर फ्रॉम लास्ट ईयर, फ्लो में निकालो, जुमला फ्लो में निकालो, कंपेयर फ्रॉम लास्ट ईयर, कंपेयर फ्रॉम बजट्स, कंपैरिजन फ्रॉम इंडस्ट्री नॉर्म। इंडस्ट्री नॉर्म का मतलब है लाइक वर्सेस लाइक, केएनएस कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद जना हमदर्द और ज़ैबिस्ट, और ज़ैबिस्ट एंड लम्स कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद अलम टीएसए और केएनएस, पॉसिबल नहीं कंपैरिजन। हीनो पार्क बना रहे ट्रैक्टर और आप बना रहे पार्क सुजुकी में गाड़ियां, ऑटोमोबाइल सेक्टर है लेकिन आपकी प्रोडक्ट कुछ और है, हमारी प्रोडक्ट, आप कंपेयर करेंगे लेकिन जो कंपैरिजन करेंगे आप वो मीनिंगफुल कंपैरिजन नहीं होगा। ऑडिट वहां भी पढ़ा जाता है सीबीएम में, बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, वहां का सिलेबस देखेंगे और जब वहां का इनपुट देखेंगे तो फिर हंसी आएगी आपको कि ये हम क्या कर रहे हैं और वहां क्या चल रहा है, यहाँ कितना बच्चा है और वहां क्लास में कितना बच्चा है, कंपेयर नहीं। हालांकि ऑडिट चल रहा है अभी, वो बैचलर्स प्रोग्राम है, ये प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। बात समझ आ रही? तो कंपैरिजन का मतलब है लाइक वर्सेस ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर। आगे चले जी, फिर क्या आ रहा है? टेस्ट ऑफ डिटेल ऑफ ट्रांजेक्शन बोले तो जवाब नहीं आ रहा, एक जवाब आ रहा है बस, खवातीन पार्टिसिपेट करें मेरा बच्चा, टेस्ट ऑफ डिटेल ऑफ ट्रांजेक्शन बोले तो हमें आपकी सपोर्ट चाहिए पढ़ाई में भी और माशरे के अंदर भी। वी कैन नॉट ब्रिंग चेंज अनलेस ये एक्टिव हो जाए, हमारी कौम तरक्की नहीं कर सकती अनलेस यू आर एजुकेटेड एंड यू हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एथिकल वैल्यूज, वी कैन नॉट चेंज दिस मुल्क। खान साहब कैन नॉट डू, हमें आपका सपोर्ट चाहिए। बात समझ आ रही? तो आप खुदारा बोलें, आप पर हमें मान ना तो बड़ी शान है हमारी, अब ठीक है खुदारा बोले आप। टेस्ट ऑफ डिटेल ऑफ क्या मतलब है इसका, कौन सा आइटम, अकाउंट बैलेंस बोले तो, ये ऑडिट के जार्गन है, फ्लो में निकालो यार, कहो क्लास और ट्रांजेक्शन, पीएनएल का आइटम, अकाउंट बैलेंस लेवल, बैलेंस शीट का आइटम, पीएनएल, बैलेंस शीट, पीएनडी, कंबाइंड वर्ड क्या है, असर्शन लेवल। आगे चलो। Verification of documents such as purchase order, invoices, receipts, employee timesheets, customer order letters, bank statements, contracts, and other legal documents. Review of minutes of directors' meeting and other committees. ठीक है जी। फिर हमारे पास आ रहा ऑडिट प्रोसीजर जो कि हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, फिर हमारे पास हैंडआउट का पेज नंबर 9 बारी असर्शन जो हम बाद में कवर करेंगे, और इस तरह हमने अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल कर लिया आइजा 500। अब मैं आपको उसके दे रहा हूँ पास्ट पेपर्स, कुछ चीजें हमने मैनुअल से देखनी है, इस के अंदर
इंडेक्स ऑफ एविडेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन, आठ सवाल है, कितने? आठ सवाल है, छह सवाल ECCAFED के हैं और दो सवाल ICAP के हैं। ICAW अगर देखने की जरूरत थी तो वह मैं बताऊंगा, और ये CA फाइनल का पेपर नहीं, उसके सवाल देखने की जरूरत नहीं है। मैं भी शो मार सकता हूँ, आए करते हैं मॉड्यूल एफ का, जरूरत नहीं है, बोंगी मारने की जरूरत नहीं है। फिर वो अब वो अभी पढ़ लेंगे तो फिर उसको क्या पढ़ेंगे, उसका अपना लेवल है, है कॉमन सेंस है। तो अभी जो मैं करा रहा हूँ इससे पर्चा पास हो जाएगा इंशाल्लाह, डन है जी। ये हम सारे सवाल अभी हम करेंगे, ठीक है? कुछ सवाल हम देख लेंगे, प्रैक्टिस कैसे होती है जरा समझे बात को। अगर एक सवाल रूट लर्निंग वाला है जहां पर आपने चीजें लिखनी है, तो क्लास में हम डिस्कस कर लें इसका आंसर क्या होगा, चूंकि मैंने आपको हैंड आउट दिया हुआ है, आंसर मौजूद है। तो क्लास में जब तक के टेस्ट नहीं हो रहा होगा ना, लिख के टाइम वेस्ट हो जाएगा। हाँ, जब रिपोर्ट का सवाल आएगा, सब्सिक्वेंट इवेंट आएगा, गोइंग कंसर्न आएगा, TOC आएगा, ऑडिट रिस्क आएगा, अल्लाहू अकबर, ये सारे सवाल क्लास में आप ड्राफ्ट कर रहे होंगे। बात समझ आ रही है? अभी इस पे टाइम लगा दूंगा तो मसला हो जाएगा। ये थ्योरेटिकल सवाल है, इसको देखेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। कागज पर नाम लिख ले शाबाश अपना फटाफट। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है, ACCA का अटेम्प्ट दी हुई है, मार्क्स दिए हुए, पेज नंबर दिया हुआ है, सारा होमवर्क करके दिया हुआ है, कोई एफर्ट नहीं करनी आपने कि आप सवाल वहां से ढूंढ रहे हैं, यहां से ढूंढ रहे हैं, लाइब्रेरी में गोता लगाएगा, कुछ नहीं करना आपने। जो काम आप दो घंटे में करते हैं वो काम आधे घंटे में हो जाएगा, क्योंकि आप बिजी लोग हैं, जलसा जुलूस में टाइम काफी हो चुका सुबह बार। जी स्पीड में डिस्ट्रीब्यूट करें जी, जिनको मिल गया वो फर्स्ट पेज पे जी, मार्च जून 16 ICCAFED, वो सवाल देखना शुरू करें जी। अगले 10 मिनट बत्ती जलेगी, ये वाली नहीं, ये वाली जो बंद है ये बत्ती जलेगी, ठीक है? अगर तो रेड पेन हाथ में है, अगर तो कोई और पेन है वो निकाल ले जरा। हैंड आउट गंदा कर दे कोई मस्ता नहीं है, जितना गंदा होगा इंशाल्लाह पास हो जाएंगे आप, ठीक है? कुछ के कागज ब्रांड न्यू को ब्रांड न्यू होते हैं, पता नहीं उसमें क्या मतलब क्या कर रहे हैं आप। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा लीटर मार दिया करें, ऐसी मार दे, हाँ भी पढ़ लिया। मार्च जून 16 सबको मिल गया हैंड आउट, शाबाश। स्पीड पकड़े जी यार, पहले VVN को दे दो यार, इतने अरसा बात तो फिजिकल क्लास में आया भाई है। जी चले जी, लेट्स स्टार्ट, बिस्मिल्लाह, रब्बी जी नीलमा। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब 5 टाइप्स ऑफ प्रोसीजर्स फॉर ऑब्टेनिंग एविडेंस। जो बच्चे रिकॉर्डिंग देखेंगे मेरे बच्चों, इस वक्त हम ISAT 500 टॉपिक कवर कर चुके हैं, हमने क्लास में हैंडआउट डिस्ट्रीब्यूट किया, आपको मिल जाएगा। हम 5 पेपर डिस्कस कर रहे हैं जी, शेयर करेंगे फिलहाल दोस्त को, हेल्प करें प्लीज। आज असल में 2-3 लोग मुझे नए दिख रहे हैं, कुछ न्यू एंट्रीज है आज, तो एक हद कागज शॉर्ट हो गया, सही है? नए वाले बच्चे, हाँ हाँ है ना, नए बच्चे आए हैं आज, कुछ फिजिकल से ऑनलाइन आ रहे हैं, मतलब आज तो क्लास में पहली बार आए ना, वो हाथ रेस करें जो ऑनलाइन से फिजिकल आज मौजूद है, रेज योर हैंड्स, 1-2, ठीक है, देखा इसलिए नहीं मिला जी। डिस्क्राइब 5 टाइप्स ऑफ प्रोसीजर्स फॉर ऑब्टेनिंग एविडेंस। 5 टाइप्स ऑफ प्रोसीजर क्या है? सिंपल, हमने तो 8 पढ़ा, ये कितने पूछ रहा है, तो कितने बताएंगे? 5 नहीं, मैं तो 8 ही बताऊंगा, वरना मेरे को मजा नहीं आएगा भाई, मजे मत ले उसके, जो पूछ रहा है वो बता दे, ठीक है? मजे लेंगे जब पेपर पास कर लेंगे इंशाल्लाह। एंड फॉर ईच टाइप ऑफ प्रोसीजर डिस्क्राइब एन एग्जाम्पल रेलेवेंट टू द ऑडिट ऑफ बैंक बैलेंसेस। जो नंबर 2 है ये अभी हमने कवर नहीं किया है, लेकिन आए मैं समझाता हूं कि उसने पूछा क्या है। वो कह रहा है पहले वाले पार्ट में क्या कह रहे हैं, कायरो में से कितनी बातें बता दें आप, ठीक है? IQ R² और O, ऐसा ही है मेरे बच्चों, ठीक है जी। पार्ट 2 में कह रहा है जो आपने ऊपर एग्जांपल में कायरो बताए हैं, जरा ये बताएं कि कैश एंड बैंक वेरीफाई करते हुए आप क्या करेंगे। तो अगर मैं सिंपल बता दूं आपको, मुझे बताएं बैंक को वेरीफाई करते हुए सी का क्या काम है, बैंक कंफर्मेशन, वेरी गुड, खत्म कर दो। AP इस साल के क्लोजिंग बैलेंस को पिछले साल से लो, ये इतना आसान है। हाँ तो आसान है, लेकिन अभी हमने सब्सटेंटिव नहीं पढ़ा है, तो पढ़ लेंगे तो कितना आसान हो जाएगा। कैश एट बैंक वेरीफाई करते हुए क्या आप कैश बुक देख सकती हैं, बैंक स्टेटमेंट देख सकती हो, GL ट्रायल देख सकते हैं, इंस्पेक्शन ऑफ, ये पूछा
पहला वाला सवाल जो है आइजा 500 का है, और जो दूसरा वाला है वो आइजा 500 प्लस सब्सटेंटिव का है। वेरी गुड, जवाब दिया करें, सोचते क्या है, और गलत भी निकलेगा तो बोल दिया करें भाई, मेरे हाथ में पत्थर थोड़ी, अल्लाह माफ करे। ठीक है, संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा, ऐसा नहीं भाई, मैं कह रहा हूं पहला वाला सवाल किस चीज का है, सेकंड वाला किस चीज का है, 500 प्लस। ठीक है जी, तो पहले पार्ट का आंसर हो जाएगा, नीचे आंसर बनेगा डाल लें। क्या दिया हुआ पहला, इंस्पेक्शन, फिर क्या दिया हुआ है, सर दो पैराग्राफ क्यों है, पहला वाला पैराग्राफ क्या है, डिस्क्राइब कर रहा है, सेकंड वाले में क्या कर रहा है, जरा एक पढ़ लो, एक पढ़ लो, बाकी होमवर्क में आप पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। पढ़ें इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन Inspection involves examining records or documents whether एक मिनट, ये इंस्पेक्शन कह रहा है, इसका मतलब है इसमें वो भी शामिल है और वो भी शामिल है। वेरी गुड, इसमें इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड भी शामिल है, और हमने इन दोनों को अलग अलग करके पढ़ा, इंस्पेक्शन ऑफ एसिड्स अलग है, इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड, कोई मसला नहीं, कोई गम नहीं है, हम एग्जाम में दोनों को अलग अलग करके बताएंगे, आप पढ़ लें। Inspection involves examining records or documents whether internal or external in paper form, electronic form or other media or a physical examination of an asset. Inspect the bank reconciliation for any outstanding lodgements and agree to the pre-year and cash book, post-year and bank statement and also to paying in books pre-year end. Pehla paragraph kya hai? समझा रहा है, सेकंड में क्या बता रहा है कि आप कैश एंड बैंक में इंस्पेक्शन रिकॉर्ड में क्या करेंगे, एसेट में क्या करेंगे, तो सेकंड पार्ट आप घर पे इग्नोर कर देंगे, वो हम कब कवर करेंगे, जब मैं आपको कैश एंड बैंक के सब्सटेंटिव प्रोसीजर करा दूंगा। अगर आईक्यूब में ये सवाल 10 नंबर का आ गया तो ये मुफ्त के नंबर है, क्या है ये, सेकंड स्पैन पेज नंबर 3 बाय शाबाश, सवाल करते जाओगे हौसला बढ़ता जाएगा। पास पेपर क्लास में क्यों करते हैं, ताकि समझ आए कि जो हमने टॉपिक प्रिपेयर किया उस पे एग्जाम में सवाल कैसे आएगा। समझदार लोग हैं माशाल्लाह आप लोग। नेक्स्ट सवाल, कौन सी डेट है मेरे बच्चों, सितंबर दिसंबर 15, ये सारे सवाल किसके हैं, एफ8 के। ठीक है जी, सवाल पढ़ें जी क्विकली, एक्सप्लेन फोर फैक्टर्स व्हिच इन्फ्लुएंस द रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। पढ़ा हुआ हमने, हमने कितने पॉइंट पढ़े हैं, उसने कितने पूछे हैं, चार। एहतियातन पढ़ लो आंसर एक के, फिर हम आगे स्किप करेंगे, अभी पढ़ लो, पढ़ लो। Reliability of audit evidence. The following factor or generalization can be made when assessing the reliability of audit evidence. Number one, the reliability of audit evidence is increased when it is obtained from independent sources outside the entity. Number two, the reliability of audit evidence which is generated internally is increased when the related controls imposed by the entity included those over its preparation and maintenance are effective. Number three, audit evidence obtained directly by the auditor is more reliable than audit evidence obtained indirectly or by inference. Or inference matlab? Inference hi hai. Kya likha hua? Evidence obtained directly by the auditor is more reliable than evidence obtained indirectly or by inference. कोई और बता रहा है, एक बात मैंने आपसे पूछनी है, वो बात आपने इनको बताई, इनको बताई, उनको बताई, इनको बताई, इनको बताइए, मुझे बता रही है, तो वो बात जो मैं डायरेक्ट इनसे पूछता, दैट वुड हैव बीन मोर रिलायबल। अम्मा ने अब्बा से कहा, अब्बा ने बड़े बेटे से कहा, उसने आपकी आपी से कहा, आपी ने फुप्पो से कहा, आप समझाता लगा लें, फुप्पो ने उसकी निकाली प्रेजेंट वैल्यू और वैग लिए 40%, फुप्पो का वैग ज्यादा होता है, अब फुप्पो कहीं देखो बेटा ये प्रेजेंट वैल्यू है, अगर वही बात डायरेक्ट अम्मा बताती तो एनपी वुड हैव बीन मच पॉजिटिव। पप्पो क्या बता रही है, बेटा ये प्रोजेक्ट फीजिबल नहीं है, क्योंकि बताया किसने, पप्पो ने, किसने बताया, हम पप्पो के खिलाफ नहीं है, लेकिन पप्पो के अपने इश्यूज है भर, आगे चलते शाबाश। ठीक, खवातीन माइंड नहीं कीजिएगा, माशरे का कहेंगे, क्लास में डिस्कस होंगे इंशाल्लाह जी। ऑडिट एविडेंस इन डॉक्यूमेंट्री फॉर्म वेदर पेपर इलेक्ट्रॉनिक और अदर मीडियम इज मोर रिलायबल देन एविडेंस ऑब्टेन्ड ओरली। Number 5, audit evidence provided by original documents is more reliable than audit evidence provided by photocopies or facsimiles. एक जमाने में फैसीकॉपी आती थी, हो सकता है आपके किसी अब्बा के पुराने दफ्तर में, किसी दफ्तर में फैक्स मशीन पड़ी हो, उसका प्रिंटर बहुत ही दुबला पतला नाजुक सा होता था और कुछ अरसे बाद उसकी इंक खत्म हो जाती थी, मतलब कागज मिट जाता था, उसकी इंक बहुत बारीक हुआ करती थी, तो जो हैंड आउट फैक्स से निकला हुआ है वो रिलायबल या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रिलायबल, फोटोकॉपी रिलायबल या ओरिजिनल रिलायबल। ठीक है जी,
the reliability of which may depend on the controls over their presentation, preparation and maintenance. ठीक है, अब ये जो पांच पॉइंट्स थे हैंडआउट में दिए हुए, वहां से पढ़ के मैं लिख सकता हूँ? ये सवाल को हम कहते हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन. क्या कहते हैं? इट इज नॉट अ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन. और अगर मैं इसका सिनेरियो बेस्ड सवाल बना दूं, पांच छह लाइनें अड़गम तड़गम अड़गम तड़गम, हम ऑडिट कर रहे हैं फलाना धमाका क्लाइंट के मस्ते रिलायबिलिटी के, भैया छह लाइन का सवाल एंड में कह रहे हैं रिलायबिलिटी के फैक्टर में जाएंगे, कुछ बोल रहा है यो बहुत डिफिकल्ट सवाल, कद्दू डिगोल सवाल. आईके अपना हल्का सा बीपी हाई लो किया, जो भी आपका है, जो भी हिसाब किताब है, जवाब वही है जो कागज में दिया हुआ है. लग क्या रहा है? जवाब दे दो भाई, सुबह तकरीर की जवाब दे दो. सवाल लग क्या रहा है? एक्चुअल में क्या है वो? पेपर में 25-30 नंबर तो स्टेट दिए हुए, जो बाकी सिनेरियो लग रहा है उसमें ज्यादा क्या है थ्योरेटिकल, तो बेसिकली 50-60 नंबर क्या है स्टेट देने वाले. उसके बाद अगर पर्चा रुके ना तो देखो बिग रीजन टू वरी. बात समझ आ रही? इंशाल्लाह नहीं रुकेगा जी. ACC जून 2007 सवाल पढ़े जी. मैं कब either 500 audit evidence state that the auditor's objective is to design and perform audit procedures in such a way as to enable the auditor to obtain sufficient appropriate audit evidence to be able to draw a reasonable conclusion on which to base the auditor's opinion. Required. Describe the factors which will influence the auditor's judgment concerning the sufficiency of audit evidence obtained. मुझे इसमें खवातीन दो जुमले बताएं जो मैंने अंडरलाइन कर लिए सवाल में. खवातीन आप बहुत ज़हीन हैं, नेचुरली आप थोड़ी ब्लेस्ड हैं, यू आर मच बेटर इन टर्म्स ऑफ डिसीजन मेकिंग. ये मैं नहीं कह रहा, ये वर्ल्ड साइंस कह रही है, क्योंकि हम थोड़े जज्बाती हैं, आप थोड़ा सा कंट्रोल में, तो मैंने काफी तारीफ कर दी. अब दो जुमले बताए चाहोश, थोड़ा मैंने पंप किया, मोटिवेट किया, शायद कुछ बाहर आ जाए. नहीं, खामोशी हो, डिफेंस फ्रेजेड खामोशी पड़ेगी. दो जुमले रिक्वायरमेंट के, दो जुमले बताए फैक्टर और सफिशिएंसी. क्या बताने? फैक्टर किस चीज के? हैंडआउट में का आंसर कहां दिया होगा? मुझे सात पॉइंट थे, हो जाएगा. इसके आंसर में आए, इसके आंसर को इग्नोर कर दें. लिखा हुआ है प्लीज लर्न फ्रॉम माई हैंड आउट ऑफ आइजा 500. फिर सवाल आएगा व्हाट्सएप पर, कहां से पढ़ना है? फिर मेरे पास इस बच्चे का कोई हल नहीं सिवाय मैं इसके कि मैं उसको दोबारा बता दूं प्यार से. ठीक है, ब्लॉक करना मस्ते कल तो नहीं ना यार. ठीक है, चले जी. दिसंबर 2013 एसी देखा सवाल. एक और सवाल देखे, रिपीट हो रहा सवाल, पढ़े जी. पेज नंबर 5. Either 500 audit evidence requires auditors to obtain sufficient and appropriate audit evidence. Appropriateness is a measure of the quality of audit evidence, that is, its relevance and its reliability. Required. Identity and explain. Identify and explain. Sahi karna ji. Identify and explain. Haan. Identify and explain three factors which influence the reliability of audit evidence. हमने कितने पढ़े? उसने कितने पूछे? कितने बताएंगे? तीन. तीन मार्क्स स्ट्रेट फॉरवर्ड है. yes, पढ़ने की जरूरत, आगे बढ़े हो. दिसंबर 2009 फिर सवाल. देखें चीजें रिपीट हो रही हैं. अच्छा, आईकेएम में सवाल है सर, क्या आईकेएम में सवाल रिपीट होते हैं? यस, आईकेएम में सवाल रिपीट हो रहे हैं. दिखाऊंगा, साबित करूंगा, ऑडिट का टीचर हूं मैं, हर बात की एविडेंस है मेरे पास. सर क्या पिछले पांच सालों में पेपर का जो पैटर्न आईकेएफ का, क्या वो चेंज हुआ है? हाँ सर, तो वो पैटर्न अब क्या हो गया? इट्स ऑलमोस्ट लाइक एन एफिट एग्जाम. पेपर अच्छा हो रहा है, लग रहा है ऑडिट का बना रहा है, चीजें बेहतर हो गई. टीओसी का सवाल प्रैक्टिकल आ रहा है, सब्सटेंटिव पूछ रहा है, पेपर में थ्योरी भी है प्रैक्टिकल भी है. सुबह समझ आ रही, रिक्वायरमेंट्स बेहतर हो गई है, तो आहिस्ता आहिस्ता हमारा पर्चा थोड़ा सा F8 की झलक दिख रहा है. ठीक है, और मैं आपको सवालत दिखाऊंगा जहां F8 के दो तीन सवाल मर्ज हो गए तो हमारे मैनुअल में पिछले पांच एटम में आए हुए हैं. डज इट साउंड पॉजिटिव और डज इट साउंड नेगेटिव? अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड. पॉजिटिव बात को अप्रिशिएट किया करें, चेहरे मुस्कुराने लगा करें. पढ़ाई का मकसद गमजदा करना नहीं है, पढ़ाई का मकसद क्या है? तालीम हासिल करना, इल्म हासिल करना. तो यू शुड बी हैप्पी, यू शुड बी सैड. ठीक है, तो हैप्पी रहा करें माशाल्लाह. रिक्वायर्ड क्या है रिक्वायरमेंट? आंसर पढ़ने की जरूरत है या खुद से पढ़ लोगे? आगे बढ़े. ठीक है,
ACCA जून 11 सवाल पढ़ो। The auditor has a responsibility to design audit procedures to obtain sufficient and appropriate evidence. There are various audit procedures for obtaining evidence, such as external confirmation required. Apart from external confirmation, state and explain five procedures for obtaining evidence. Number two. ये सब grammatical mistake है। क्या होना चाहिए? हाँ, state and explain five audit procedures for obtaining audit evidence. हमने कितने पढ़े हुए? उसने कितने पूछे? पांच। ये वही सवाल है जो अभी कुछ देर पहले कैशन बैंक में पूछा था। पढ़ो सेकंड पार्ट पढ़ो। For each procedure, describe an example relevant to the audit of purchases and other expenses. For each procedure, जो आपने ऊपर कायरो बताया है, जरा बताएं कि आप परचेज और एक्सपेंस को वेरीफाई करते हुए क्या करेंगे? परचेज ऑर्डर देख सकते हैं, एक्सपेंस का पेमेंट वाउचर देख सकते हैं, एक्सपेंस की इनवॉइस देख सकते हैं। अभी सब्सटेंटिव पढ़ा नहीं है। अगर टीचर ने आइजा 500 तरीके से पढ़ा दिया, इसका मतलब है पूरा ऑडिट आसान हो गया और आपका ऑडिट अलहमदुल्ला पूरा आसान हो चुका है, क्योंकि ऑडिट की स्पाइनल कॉर्ड मजबूत हो गई। आइजा 500 मेथड्स, दो मेथड्स, कायरो, कन्फर्मेशन एक अलग टॉपिक है। 505 जब एग्जाम में सब्सटेंटिव लिखने को कहेगा, व्हाट सब्सटेंटिव विल यू परफॉर्म टू वेरीफाई कैश एट बैंक, व्हाट सब्सटेंटिव विल यू परफॉर्म टू वेरीफाई इन्वेंटरी, व्हाट सब्सटेंटिव विल यू परफॉर्म टू वेरीफाई डेटर्स, तो आप जो एग्जाम में लिख रहे होंगे वो कायरो होगा, ठीक है। और इससे आगे कुछ और भी होगा जो कि बाद में बताऊंगा, सिर्फ जुमला कह रहा हूँ, टेंशन नहीं लेंगे। जब आप कायरो कर रहे होंगे, जब एग्जाम में कायरो लिख रहे होंगे, तो वी विल बी वेरीफाइंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शंस टू बी कवर्ड आफ्टर फ्यू आवर, टेंशन नो, ठीक है। पूरी ग्रिप के साथ जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो हम इसका ए पार्ट सॉल्व कर सकते हैं, फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर सकते हैं, सेकंड पार्ट को इग्नोर करते हैं, आगे बढ़े शाबाश, ठीक है जी। फिर हमारे पास आईकेएफ का सवाल आ रहा है, सितंबर 2010 का, देख लीजिए। सवाल पढ़ लें, खाली आंसर मैंने आपको अभी कुछ देर पहले लिखवाया है, वहां से कवर कर लीजिएगा, पढ़ लें। पिछली क्लास में हम जाकर याद है मैंने खोला था, हमने पढ़ लें। ब्रीफली एक्सप्लेन एनी सिक्स मेथड्स फॉर कलेक्टिंग ऑडिट एविडेंस। तो बच्चे एग्जाम में लिख क्या रहे, टीओसी, सब्सटेंडिव, पता नहीं अटर्म सेटम, अनाम से लिख क्या रहे, एग्जामिनर ने कंफ्यूज कर दिया बाय द वर्ड मेथड। लेकिन आप 6 और 12 मार्क देख के आपकी अकल में कुछ नहीं हुआ, दो मेथड के 12 मार्क कैसे हो सकते हैं, और वो तो दो मेथड है, ये 6 पूछ रहा है, तो कॉमन सेंस क्या है? ये कायरो है, कायरो में हमने 8 पढ़े, वो कितने कह रहे हैं? एक बार इस पूरे आंसर की सेल्फ रीडिंग कर लें, शाबाश, टेक 2 मिनट्स, पढ़ लें। पढ़ लिया आंसर, कोई मसला? सर हमने जो हैंडआउट में अंग्रेजी पढ़ी है वो डिफरेंट है, और यहाँ जो आंसर है उसकी अंग्रेजी डिफरेंट है, तो आप अंग्रेजी देख के परेशान, ये मैंने कई बार कहा है आपको। दो तरीके हैं, या तो हम याद कर लें या हम समझ के लिख लें। क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक है, ये जो आंसर्स है ना, ये एग्जामिनर के अपने नहीं होते, ये सजेस्टेड आंसर कहीं से आता है उसको एंडोर्स कर देते हैं। हम अगर एग्जाम में लिखेंगे ना, तो हो सकता है मैं भी ये वर्डिंग ही लिखूंगा, तो आप इसकी वर्डिंग को इग्नोर कर दें। हमें सिर्फ ये देखना है कि हमने जो इंस्पेक्शन ऑफ एसेट समझा है और वो जो बता रहा है कुछ और तो नहीं बता रहा है। मैं इंस्पेक्शन ऑफ एसेट यू समझा रहा हूं, वो यू समझा रहा है, चलेगा, बट द कॉन्सेप्ट शुड नॉट बी डिफरेंट। आर वी क्लियर ऑन दिस? इतने सारे बच्चे बैठे हुए हैं, सोचे कितने लोग एग्जाम में जाके ऑडिट का पेपर देंगे, क्या सब एक ही जुमला लिख रहे होंगे, और कितने लोग माशाल्लाह पास कर रहे हैं। इसका मतलब है आप क्या समझा रहे हैं, किस ग्रामर में समझा रहे हैं, वो डिपेंड करता है। क्लियर है जी, बात समझ आ रही? कुछ घंटों बाद बताऊंगा कि पेपर कैसे बनता है आपका और ये चेक कैसे होता है, थोड़ा मैं इसमें रोशनी डालूंगा। फ्यू थिंग्स आई कैन टेल पब्लिकली, फ्यू थिंग्स आई कैन नॉट शेयर पब्लिकली। तो थिंग्स आई कैन शेयर पब्लिकली आई टेल यू, वो आपके लिए बहुत काफी होगा, ठीक है। और जो थिंग्स दैट आई कैन नॉट शेयर पब्लिकली, वो लेक्चर में कहीं ना कहीं आ रहा होगा, आपने पकड़ना है उसको।
ठीक है, आई थिंक आई हैव मेड माय पॉइंट वेरी वेरी क्लियर नाउ। ठीक है चलें जी, लेट्स स्टार्ट। अच्छा आप निकाल लें मैनुअल शाबाश, सबको मिल गया मैनुअल? ठीक है सब, अब ये ना पूरी क्लास अलाइन हो गई, निकाले मैनुअल शाबाश। और दो सवाल और देख लें जी, मार्च 16 क्वेश्चन नंबर 6 ब्रावो। मार्च 16 क्वेश्चन नंबर 6 बी। एक बार दोबारा देख लें, मार्च 16 क्वेश्चन 6 बी। जी पेज नंबर क्या है? हमने अभी कुछ देर पहले कितने सवाल देखे हैं जरा देख लें जी, मैं क्रॉस चेक करा रहा हूं जरा, कभी कभी ना पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है। कितने सवाल है ये? दो और देख रहे, कितने हो गए? 10। आयजा 500 के कितने सवाल देख लिए? ये आज घर जाकर रिवाइज या प्रैक्टिस हो जाने चाहिए, बात खत्म। एक हफ्ते बाद पढ़ोगे मुश्किल होगी, 15 दिन बाद पढ़ोगे और मुश्किल होगी, 2 महीने बाद पढ़ोगे ब्लास्ट हो जाएगी। तो बेहतर क्या है कि अगले 48 घंटे में इसको कवर कर लिया। ठीक है, ये मेरी सजेशन हम्बल। जी 6 भी पढ़ा जी, क्या कह रहा है? ये तो पेपर बी आया इस बार, ये पास नहीं होगा। क्या पूछा है? जवाब दे दो यार, जवाब दे दो मेरे भाइयों। सफिशिएंसी पूछ रहा है, रिलायबिलिटी पूछ रहा है, बोले तो सैंपल साइज कितने पॉइंट दिए इवेंट के अंदर, कितने मार्क का सवाल है, उसने कितने पूछे हैं, नहीं उसने क्वांटिटी डिफाइन की है, तो फिर आंसर देंगे डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ, कितने मार्क का सवाल है, कितने पॉइंट बताऊंगा। मेरी रिकमेंडेशन क्या है, आप 4 नहीं, आप कितना बता दें? तो अगर एक पॉइंट में कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक है, उसमें गलती है, तो एग्जामिनर आपके 5 में से 4 बेस्ट चूज कर लेगा। डील मंजूर है ये? आप वैसे टिक कर लें इसको, होंगे टिक कर लें इसको, टिक कर लें भाई। नेक्स्ट सवाल देख लें, सितंबर 14 क्वेश्चन नंबर 10 जे, जे फॉर जंगल जी, 10 जे जाके देख लें जी, बहुत डिफिकल्ट सवाल है ये भी। पेज नंबर बताइए ताकि लोग जरा ढूंढ सके जी। सवाल पढ़ ले मेरे दोस्त, स्टेट एनी टू फैक्टर्स व्हिच द ऑडिटर शुड कंसीडर टू इंश्योर रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। जी क्या पूछ रहा है? दोबारा पढ़ ले जोर से, पेज नंबर बताइए जी। ठीक है जी, नहीं मिल रहा बराबर से शेयर कर ले, मिल जाएगा इंशाल्लाह जी। दोबारा पढ़ ले जोर से जरा, state any two factors which the auditor should consider to ensure reliability of audit evidence। मुश्किल है, आसान सवाल है? कितने मार्क का सवाल है? पेपर में 20-25 नंबर रखे हुए हैं, वो आपने ढूंढ के निकालने हैं। सर ये सवाल हम पहले अटेम्प्ट करेंगे, दरमियान में करेंगे, एंड में करेंगे, पहला सवाल कौन सा होगा, ये सब मैं बताऊंगा, इतनी तफसील में बताऊंगा कि आप इंशाल्लाह आगे लोगों को गाइड कर रहे होंगे। हर आपने क्लास में जागते रहना है बस। ये 2 नंबर स्ट्रेट सवाल हो गए। कितने सवाल हमने कवर किए मैनुअल से? 2 8 हमने पहले कर लिए, कितने हो गए? बंद कर दे मैनुअल। हर क्लास में मैनुअल लाएंगे और हर क्लास में मैनुअल खुलेगा और हर क्लास में इंशाल्लाह हम पास पेपर करते जाएंगे। क्या बात समझ आ रही है? ठीक है शाबाश, वेरी गुड। हजरत ये हमने कवर कर लिया आयजा 500।